हाय गाइस, सो हमने अभी जस्ट थ्योरी देखा हाउ टू बिल्ड अ परसेप्ट्रॉन मॉडल एल्गोरिदम देखा और अब हम लोग उसको स्क्रैच से बनाएंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू कि scikit-learn में परसेप्ट्रॉन का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है. ओके, सो दिस इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ scikit-learn एंड दिस इज़ द परसेप्ट्रॉन का पेज और ये लीनियर मॉडल के अंदर ही आता है बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि परसेप्ट्रॉन इज़ यूज टू क्लासीफाई लीनियर डेटा, राइट? सो ओवर हियर यू कैन सी दीज आर द वेरियस इनपुट पैरामीटर्स दैट यू हैव. इनको ही आप ट्वीक करते हो इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस एल्गोरिदम. ओके, सो आई जस्ट डिस्कस अ फ्यू ऑफ देम, नॉट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो द फर्स्ट वन इज पेनल्टी और दिस इज बेसिकली द रेगुलराइजेशन टर्म. सो अगर आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो आप यहाँ पर इन तीनों रेगुलराइजेशन में से कोई भी एक यूज कर सकते हो सो दैट टू रिड्यूस द ओवरफिटिंग क्राइटेरिया. ओके, नेक्स्ट इज अल्फा. सो अगर आप पेनल्टी यूज कर रहे हो तो उस पेनल्टी का कितना से होगा ये डिसाइड होता है अल्फा से. ओके, सो बाय डिफॉल्ट इट्स 10^-4 और इसको आप बढ़ा घटा सकते हो और इसी से ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्स एटर. इसका मतलब है कि कितना पासेस लेगा आपके डेटा के ऊपर आपका एल्गोरिदम. ठीक है, बेसिकली आप कितने एपॉक्स लेना चाहते हो. जैसा मैंने आपको बताया था 1000, 10,000, 1 lakh, सो ये वो नंबर है मैक्स इटर. ओके, नेक्स्ट इज टॉल या आई डोंट नो इसका फुल फॉर्म एग्जैक्टली क्या है बट दिस इज द स्टॉपिंग क्राइटेरिया और इफ इट इज नॉट डन देन द आइटरेशन विल स्टॉप. मतलब आप क्या चाह रहे हो कि जैसे ही आपका एल्गोरिदम पूरी तरीके से ट्रेन हो चुका है और गलतियां नहीं कर रहा है तो आप नहीं चाहते कि 1,000,000 बार रन करो या 1,00,000 बार रन करो. आप क्या चाहते हो कि ये क्राइटेरिया जैसे ही मीट हो आपका एल्गोरिदम रुक जाए. सो ये क्राइटेरिया क्या है इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर आप करो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ये टोल को यहाँ पे लेके आओ और ये लॉस को यहाँ पे लेके आओ तो इट्स एक्चुअली प्रीवियस लॉस माइनस लॉस. सो मतलब पिछले वाले लॉस से करेंट लॉस को माइनस करने पे अगर इससे कम वैल्यू आ रहा है तो आपका एल्गोरिदम रुक जाएगा क्योंकि बहुत कम अब डिफरेंस है प्रीवियस साइकिल के लॉस में और करंट साइकिल के लॉस में तो यू विल स्टॉप और आगे जाने का जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज शफल. बेसिकली आप अपना ट्रेनिंग डेटा शफल करते हो ट्रेन करने के पहले. ठीक है, सो दैट आप किसी भी तरीके का बायस हटा पाओ. ठीक है, नेक्स्ट इज एन जॉब्स. एन जॉब स्पेसिफाई करने से आप क्या करते हो, आप CPUs के बदले मतलब CPUs के मल्टीपल कोर्स यूज कर सकते हो. ठीक है, जनरली स्पीकिंग को ऐसा करता नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना बड़े डेटा सेट्स एज सच अभी है नहीं. ठीक है, और ये अर्ली स्टॉपिंग यहाँ पे आप ट्रू फॉल सेट करके बताते हो कि मुझे पहले रुकना है या पूरा का पूरा एन आइटर कंप्लीट करके रुकना है. ठीक है, एंड या दैट्स इट, यही होता है. अब मैं आपको जल्दी से गाइस एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम ऑन अ डेटा सेट. सो मैंने क्या किया है, मैंने एक डेटा सेट क्रिएट किया आयरिस स्मॉल बोल के जिसमें मैंने आई हैव जस्ट मेड श्योर कि दो ही कॉलम्स हैं इंस्टेड ऑफ चार कॉलम्स. आई हैव ओनली टू कॉलम्स लाइक सेपल लेंथ पेटल लेंथ. ओके, और मैंने ये भी डिसाइड किया कि मेरे पास तीन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स नहीं होंगे, सेटोसा वर्जिनिका और वर्सिकलर. इंस्टेड आई विल हैव ओनली टू क्लासेस दैट इज सेटोसा एंड वर्सिकलर. मुझे बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है. ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पर स्पीशीज में सेटोसा को रिप्लेस कर दिया 1 से और वर्सिकलर को रिप्लेस कर दिया 0 से. ठीक है, सो इस पॉइंट पे मेरा डेटा ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज माय डेटा. ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक बार प्लॉट करके देखा. सो ये देखो ये रहा 0 एज इन दिस इज सेटोसा एंड दिस इज वर्सिकलर. ठीक है, तो यू कैन सी कि ये लीनियरली सेपरेबल है. आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इसको सेपरेट कर सकते हो. वही लाइन हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम. सो नाउ आई विल गो डाउन और यहाँ पे मैंने अपना एक्स और वाई फेच किया. ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा रैंडम स्टेट 5 रख के और टेस्ट साइज 20 रख के. मतलब 80 डेटा ट्रेन में गया, 20 डेटा टेस्ट में गया. और उसके बाद मैंने परसेप्ट्रॉन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और अपने मॉडल को ट्रेन किया. ठीक है, ये सब एकदम बेसिक है और मैंने ऐसे कोई जो भी डिफॉल्ट्स थे उनको ही यूज़ किया. ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे वाइप रेट कैलकुलेट किया और फिर मैंने जब जैसे ही एक्यूरेसी स्कोर निकाला, यू कैन सी माई एक्यूरेसी स्कोर इज ऑफ 100. और ये एक्चुअली लॉजिकल भी है क्योंकि आपका डेटा बहुत अच्छे से सेपरेटेड है तो एल्गोरिदम को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ये क्लासिफिकेशन करने में. ठीक है, अब जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने जब ये लगाया ये कोड लिखा लाइक clf.coefficient तो ये एट्रीब्यूट यूज़ करने से मुझे मेरा W1 और W2 मिल गया. ठीक है, और ये इंटरसेप्ट लगाने से मुझे मेरा बायस का टर्म मिल गया. ठीक है, और बायस का टर्म या ऑब्वियसली वुड बी 1. देन
मैंने ये एक लाइब्रेरी यूज़ किया ML Extend बोल के, इसको यूज़ कर सकते हो आप डिसीजन बाउंड्रीज को प्लॉट करने में, बहुत ईजी हो जाता है, अदरवाइज खुद से कोड लिखना पड़ता है, तो मैं ये लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर एक मेथड है प्लॉट डिसीजन रीजन्स, इसमें मैंने अपना डेटा भेजा, अपना क्लासीफायर ऑब्जेक्ट भेजा और लेजेंड सेट कर दिया, ठीक है। और गाइज दिस इज़ द डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, एंड यू कैन सी कितना ईजिली परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम इज एबल टू फाइंड दिस लाइन जो मेरे डेटा को लीनियरली क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो गाइज हो गया परसेप्ट्रॉन। अब ऑब्वियसली हमने जो सीखा है परसेप्ट्रॉन ट्रिक वो यहाँ पे काम नहीं करता है, वो डिफरेंट है। यू कैन सी यहाँ पर आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से ट्रेन कर रहे हो पूरा मॉडल, हम बहुत सिंपल सा एक ट्रिक यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट आवर ओन परसेप्ट्रॉन क्लास और उसका परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे इस वाले के साथ, ठीक है, सेम डेटा के ऊपर, ठीक है। तो दैट वुड बी अ गुड अप्रोच साइड बाय साइड देखने का कि हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल वाला, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई गेस समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।